कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, सोनिया गांधी इस वक्त बोल रही हैं, सुनेंगे। वी ऑल बिलीव इज अनप्रेसिडेंटेड एंड अनडेमोक्रेटिक। थैंक यू। शुक्रिया सोनिया जी। मैं अभी हमारी AICC के कोषाध्यक्ष अजय माकिन जी से गुजारिश करूंगा कि आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। धन्यवाद जयराम जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा ने आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र के ऊपर किस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले एक महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है और कह रही है कि यह गलत हो रहा है, सभी पार्टियों को समान अधिकार मिले जिससे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से लड़ा जा सके। फाइनेंशियल आइडेंटिटी, व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू मी इज दैट देयर आर इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री दैट आर सपोज्ड टू protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest of one of the biggest political parties, largest opposition in the country, and already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Markanji said, we are unable to get slots for advertising, we are unable to put ads in newspapers, and so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party, and it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear, this type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy is a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty. No, and I'm not just speaking to the media. It is the duty of all the institutions of this country. It's the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you're being robbed of the entire architecture, and everybody's just quiet. I can say it in Hindi. Ek mahine pehle, Congress party ke sare bank account freeze kar diye gaye. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने
हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते, और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र, ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हों, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं, और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें, कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, कांग्रेस अध्यक्ष जी, सोनिया जी, राहुल जी ने और दूसरी जरूरी बैठक से निकलकर यहाँ आए हैं आपको संबोधित करने के लिए, उनको उस बैठक में वापस लौट जाना है। आपके सवाल हमारे कोषाध्यक्ष विस्तार से जवाब देंगे। मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, सोनिया जी और राहुल जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। नो, वन सेकेंड लुक, please understand, this is not freezing of the Congress party's bank accounts, this is the freezing of Indian democracy, that is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There is no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? Thank you. कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कही गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी जब सभी पार्टियां कर रही हैं, तो कांग्रेस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और भी बड़े लीडर्स मौजूद रहे, और ये कहा गया हमारे अकाउंट्स को जब फ्रीज कर दिया गया तो फिर कैसे हम चुनाव में उतरें, कैसे हम चुनाव प्रचार करें, ये गलत हो रहा है। और राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी पर सवाल उठा दिए, कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र के खिलाफ काम बीजेपी कर रही है।